मेरे पापा ने ना अपनी जायदाद से मुझे बेदखल कर दिया। लेकिन आंटी इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वो तो आप बताओगे। मैं बताती हूँ, मेरे पापा ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। माई फादर इविक्टेड मी फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, इविक्ट का मतलब होता है निकाल देना, बेदखल कर देना, अलग कर देना, ऐसे बोलेंगे। वो कहते तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। हाय राम, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आपका काम है। मैं बताती हूँ, वो कहते हैं, ही सेज तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। यू विल नॉट गेट इवन अ सिंगल पेनी, ऐसे बोलेंगे। लेकिन आंटी एक बात बताओ, उन्हें ऐसा कहते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? पता नहीं, आई डोंट नो। ही डिड नॉट इवन फील अ लिटिल बिट अशेम्ड व्हाइल सेइंग सो। खैर, गुस्सा थूको हमारी दोस्ती की खातिर, स्पिट आउट द एंगर फॉर द सेक ऑफ आवर फ्रेंडशिप, ठीक है? शर्त है। क्या? ये बात किसी को बताना मत। ओके, शर्त है, द कंडीशन इज, ये बात यानी कि ये राज किसी को बताना मत। डू नॉट शेयर दिस सीक्रेट विद एनीवन। द कंडीशन इज डू नॉट शेयर दिस सीक्रेट विद एनीवन। ओके आंटी, मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगी। आई विल नॉट शेयर दिस सीक्रेट विद एनीवन। ओके।